हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, जो है ब्रह्मी के पत्तों की चटनी। ब्रह्मी एक मेडिसिनल प्लांट है जो कुछ ही जगहों पर पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ब्रह्मी की जड़ें ले ली है। अब हम इसमें से सारी पत्तियाँ तोड़ कर अलग कर लेंगे। हमने पत्तियाँ तोड़कर अलग कर लिया है। ब्रह्मी की पत्तियों का यूज कई मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। सुबह खाली पेट में ब्रह्मी की पत्तियों को चबाकर खाने से दिमाग की बंद नसें खुल जाती है। जिन्हें शुगर की समस्या होती है वो भी ब्रह्मी की पत्तियों को खाए, जिससे शुगर कंट्रोल में रहता है। ब्रह्मी का पत्तियाँ बहुत ही मुश्किल से मिलती है। कई जड़ी बूटियों की दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसे सुखाकर भी स्टोर करके रख सकते हैं और चाय की तरह उबालकर पी सकते हैं। इससे भी बहुत फायदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दो बड़े साइज के टमाटर ले लिए हैं, मिर्च और लहसुन ले लिए हैं। टमाटर को हम गैस पर भून लेंगे। अब हम एक पतीले में पानी ले लेंगे और ब्रह्मी की पत्तियों को 2 से 3 बार तक धोकर निकाल लेंगे। हमने सारे ब्रह्मी की पत्तियों को धोकर निकाल लिया है। अब हम गैस में टमाटर को भूंज लेंगे। आप चाहे तो कच्चे टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर गैस में इसे भूंज लेने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसलिए हमने टमाटर को गैस में भूंज लिया है। अगर आपके पास लकड़ी का चूल्हा या कोयले है तो आप उसे टमाटर को कोयले या लकड़ी के चूल्हे पर भूंजिए, उससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं गैस पर ही इसे भूंज रही हूँ। देखिए, हमें टमाटर को भूंज लिया है। हम दूसरे टमाटर को भी इसी तरह गैस पर भूंज लेंगे। हमने टमाटर को भूंज लिया। अब इसके छिलके निकाल कर हम साइड में रख लेंगे। हम टमाटर और ब्रह्मी की पत्तियों को सिलपट्टे पर पीसेंगे। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर पे भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर सिलपट्टे पर पीसी हुई चटनी का टेस्ट ही कुछ और है। चलिए हम पीसते हैं। सबसे पहले हम पत्तियों को पीसेंगे, उसके बाद उसमें मिर्चियाँ डालकर पीसेंगे। मैंने 2 मिर्ची ली है। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप और मिर्ची लेकर डाल सकते हैं। अब हम इसमें लहसुन की कलियां डाल लेंगे और पीसेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से फिर से पीस लेंगे। अब टमाटर डालकर उसे अच्छे से मसल लेंगे, उसके बाद फिर से पीसेंगे। हमने सारी चटनियाँ पीस ली है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने किसने यह चटनी खाई है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं खाई है तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा।
और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।